सो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश का लाइव प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो भी आपका स्कोर हो वो कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स 4 से 5 दिन रह गए हैं, ठीक है, तो आप इन दिनों में केवल प्रैक्टिस ही कीजिएगा आप। ठीक है, जिसका भी करें प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आप, उसमें आपको दिखे कि कोई भी टॉपिक का आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप फिर उसी टॉपिक्स पे पढ़ाई किया करें। ठीक है, वो टॉपिक आपका हो सकता है कमज़ोर हो, तो उस टॉपिक पर विशेष ध्यान दें। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको पहले क्वेश्चन में नरेशन चेंज कराया है, तो नरेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नो आई एम नॉट गिल्टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसके करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, देखिए, नो आई एम नॉट गिल्टी, जब कभी भी अपराध की भावना प्रकट हो रही हो, उस सेंटेंस में डेनिड का यूज किया जाता है। किसका? डेनिड का यूज किया जाता है, तो ही डेनिड हो जाएगा यहाँ पे। और ठीक है, आपको पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंजक्शन दैट का यूज किया गया है यहाँ पे। देखिए, अगर इधर ही है तो इधर को ही देखते हुए यहाँ पे आई की जगह पे, ठीक है, पर्सन से चेंज करेंगे तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, ही हुआ आपका। तो देखिए, आपको पता है इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे वाज हुआ आपका, वाज हो गया और गल्टी। ठीक है, तो आपका सेंटेंस हो गया ही डेनिड दैट, ही वाज गल्टी। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। ठीक है, सेंटेंस क्या है आपका कि ही हैज गिवन मी अ बुक, बताइए कैसे होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, जब भी कभी आपको वॉइस चेंज कराई गई हो, ठीक है, तो उसमें देखिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओ, तो आप बुक से शुरू करेंगे, ठीक है, या आई से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ही हैज गिवन मी, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मी, तो मी को आई बनाया आपने, तो यहाँ पे आपका क्या आया, आई। ठीक है, आई के बाद फ्रेंड्स आपको पता हैज है, तो हैज मतलब किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बनाते हैं, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है, तो आई हैव बीन, यहाँ पे क्या किया, आई हैव बीन गिवन अ बुक बाई हिम, आई हैव बीन। और आपको हमेशा एक बात तो गांठ बांध लेनी है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आई हैव बीन गिवन अ बुक बाई हिम। ठीक है, आई हैव बीन गिवन बाई अ बुक अ हिम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो आई हैव बीन गिवन अ बुक बाई हिम। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आप अपना टेस्ट लगाइए, ठीक है, आप कितना कर पा रहे हैं ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन है स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखिए, सेंटेंस में चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इनक्विसिडेटिव, ठीक है, और सेकेंड है इनोक्यूअस, ठीक है, तीसरा इमिनेंट, और डी है आपका इग्नोरेंस। आपको बताना है मिस स्पेल्ड कौन सा है, तो आपका जो इनोक्यूअस है वो आपका गलत है, इनोक्यूअस सर गलत है आपका। कैसे गलत है, इसकी सर सही मीनिंग क्या होगी, तो सर इसकी सही मीनिंग होगी आपकी यहाँ पे तीसरे का, यहाँ पे सही जो मीनिंग होगी वो होगी आपकी INOCUOUS, INCUOUS, ठीक है, तो ये आपकी सही मीनिंग होगी। और आपकी यहाँ पे एन की जगह एक सिंगल एन है जो कि डबल एन आएगी, ठीक है, डबल एन आएगी, यहाँ पे आपकी सिंगल एन दी गई है, तो मिस स्पेल्ड आपका बी ऑप्शन में हो गया। ठीक है, तो बी यहाँ पे और टिक करेंगे आप, और आपको एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप जो मेरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, उस सपोर्ट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिनोनिम्स ऑफ कैलामिटी, कैलामिटी का यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है। तो देखिए, कैलामिटी का आपका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है आपका डिसेस्टर। क्या होता है? डिसेस्टर होता है आपका कैलामिटी का सिनोनिम्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका डिसेस्टर आया। अब देखिए फ्रेंड्स, सिनोनिम्स कैलामिटी का अर्थ क्या होता है, तो कैलामिटी का यहाँ पे अर्थ होता है आपका विपत्ति या संकट। क्या होता है? विपत्ति या संकट। क्या होता है? विपत्ति संकट। ठीक है, अब फ्रेंड जो आपका डिसेस्टर होता है उसका मतलब भी यही होता है। क्या होता है? विपत्ति आ जाए किसी पर या संकट आ जाए तो वो क्या होता है? कैलामिटी होता है। ठीक है, तो कैलामिटी का आपका सिनोनिम्स हो गया डिसेस्टर, यानी कि विपत्ति या संकट या आपदा या विनिपात। ठीक है, तो चारों में से कोई भी मिल जाए आपको वो सही होगा।
पांचवा एंटोनिम्स पूछा है लेयर। लेयर आपको वर्ड दिया गया है, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। देखिए एंटोनिम्स बताने के लिए आपको क्या करना होगा, लेयर का अर्थ जानना होगा। लेयर का आपका अर्थ होता है प्रलोभन या चारा। क्या होता है प्रलोभन या चारा, ठीक है। प्रलोभन क्या होता है, किसी के कारण लोभ हो, किसी मतलब के लिए जो रोता है वो होता है प्रलोभन, चारा या लुभाना, किसी को बहलाना, ठीक है। बहलाना भी लेयर का अर्थ होता है। अब आपको इसका एंटोनिम्स बताना है, तो फ्रेंड्स जो आपका इसका एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रिपेल। रिपेल होता है आपका, रिपेल का अर्थ क्या होता है हिंदी में, रिपेल का अर्थ होता है मार भगाना या रोकना। रिपेल क्या होता है, रोकना। देखिए आप किसी को लुभा रहे हो या बहला रहे हो, उसकी बजाय आप किसी को रोक रहे हो तो आप रिपेल कर रहे हो, ठीक है। तो एंटोनिम्स ऑफ लेयर क्या हो गया, रिपेल हो गया। देखिए छठा क्वेश्चन आएगा आपका, हर्ट एंड सोल मीन्स, हर्ट एंड सोल का मतलब बताना है क्या होगा, हर्ट एंड सोल का मतलब बताना है क्या होगा। देखिए छठे का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से डी, ठीक है। डेवोटेडली, डेवोटेडली आपका छठे का सही आंसर हो जाएगा, हर्ट एंड सोल। और छठे का फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मतलब बता दूँ मैं, छठे का क्या होगा, ये छठे का होगा डेवोटेडली। अब डेवोटेडली का मीनिंग क्या होता है सर जी, मैं आपको बता दूँ। देखिए जो हार्ट हो, यानी कि हृदय जिसका कैसे हो, सोल पवित्र हो, पवित्र हृदय वाला जो कोई व्यक्ति होता है उसे डिवोटेड कहते हैं, यानी कि पवित्र हृदय, ठीक है। तो डिवोटेडली आपका पवित्र हृदय हो गया, यानी कि हर्ट एंड सोल जिसका अच्छा होता है वही आपका डिवोटेडली होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो मिस मत करिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, वन हु ड्रॉज मैप्स, वन हु ड्रॉज मैप्स, ठीक है। चूज वन वर्ड आपको बताना है, वन हु ड्रॉज मैप्स, जो कि ड्रॉ मैप को ड्रॉ करता है उसे क्या कहते हैं। तो सेवेंथ का यहाँ पे जो सही होगा वो होगा आपका यहाँ पे कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं उसे, कार्टोग्राफर कहते हैं फ्रेंड आपका, कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। जो मैप को खींचता है यानी कि ड्रॉ करता है वो होता है कार्टोग्राफर, ठीक है। मानचित्रकार, मानचित्रकार बोलते हैं जैसे, वही होता है, ठीक है। वन हु ड्रॉ मैप्स क्या होता है आपका, कार्टोग्राफर। क्या होता है, कार्टोग्राफर। और देखिए एक एडजेक्टिव पूछा जाता है आपसे, देखिए एडजेक्टिव ऑफ टॉक का यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा गया है आपसे, तो टॉक का एडजेक्टिव क्या होता है, टॉक का एडजेक्टिव होता है सर जी टॉकेटिव। क्या होता है, टॉकेटिव आपका टॉक का एडजेक्टिव होता है। देखिए अब बात कर लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में सर पूछा गया है प्लूरल ऑफ कमांडो, कमांडो का प्लूरल क्या होगा। तो प्लूरल ऑफ कमांडो क्या होगा आपका सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कमांडोज होगा। क्या होगा, कमांडोज होगा आपका। टेंथ क्वेश्चन है आपको ब्लीड का सेकंड फॉर्म पूछा गया है, यानी कि पास्ट फॉर्म। तो ब्लीड का पास्ट फॉर्म होता है आपका ब्लेड। क्या होता है, ब्लेड होता है BLED, ठीक है। और देखिए इलेवेंथ क्वेश्चन है आपका, वी वर फेटिंग गुड ऑन अकाउंट ऑफ डैश डैश सो फार। तो इलेवेंथ का यहाँ पे सही आंसर होगा यहाँ पे डी, ठीक है। हैविंग वॉकड, क्या होगा, हैविंग वॉकड, वी वर फेटिंग गुड ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग वॉकड होगा, ठीक है। अब ट्वेल्थ क्वेश्चन आता है आपका, हम्पटी डम्पटी डैश डैश ऑन अ वॉल। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है आपका, जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवर्ब्स है, यानी कि कहावत जिसे बोलते हैं, ठीक है, प्रोवर्ब्स। तो ऐसी प्रोवर्ब्स को करने के लिए क्या आपको याद होना चाहिए, तो हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, पूरी कहावत क्या है, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हम्प्टी डम्प्टी के साथ सेट आएगा, यानी कि सेकंड सेट की सेकंड फॉर्म होगी सेट, ठीक है। तो सेट यहाँ पे आएगा और पूरी प्रोवर्ब्स है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है आपका, आई वुड है, आई वुड कम डैश आई एम एंगेज, ठीक है। तो देखिए 13 का यहाँ पे सही क्या होगा, आई वुड कम, ठीक है, डैश आई एम एंगेज। तो यहाँ पे कम के बाद आएगा वो आपका कंजक्शन ओनली दैट आएगा, आई वुड कम ओनली दैट आई एम एंगेज्ड, ठीक है। ओनली दैट भी देखिए आपका यहाँ पे सही तरीके से ठीक पड़ेगा, वो ओनली दैट होगा, बट आप यहाँ पे आई वुड कम, ठीक है, तो ओनली दैट यहाँ पे सही मेल खाता है, तो यहाँ पे ओनली दैट का यूज किया जाएगा आपका। ओनली दैट ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी कि मैं आ गया कहाँ पे, ओनली दैट केवल कि आई एम एंगेज, मेरी एंगेज थी इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई वुड कम के साथ ओनली दैट का यूज किया जाएगा। 14 क्वेश्चन है, ही चार्ज इंटरेस्ट डैश डैश 9%। तो 14 का यहाँ पे सही आंसर होगा बी, एट का यहाँ पे यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा,
ही चार्ज इंटरेस्ट 9%, उस पर चार्ज लिया गया था वो कितना था, 9% था, ठीक है। 15 क्वेश्चन है आपका, द बुक लाइज डैश द टेबल, तो 15वें का यहाँ पे सही आंसर बताना है, तो 15 का सही आंसर हुआ सी अपॉन, ठीक है, द बुक लाइज अपॉन द टेबल, द बुक लाइज अपॉन द टेबल, ठीक है, तो 15वें का सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो सी यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। अब इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं 16 क्वेश्चंस की, यहाँ पे 16 क्वेश्चन बोला गया है कि माई फ्रेंड द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस पैलेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 15वें क्वेश्चन में जो मैंने बताया था लाइज के साथ में अपॉन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो द बुक लाइज अपॉन द टेबल, जो बुक है वो रखी हुई थी क्या अपॉन, यानी कि अपॉन, तो अपॉन का यूज किया जाता है, ठीक है, तो अपॉन द टेबल। अब बात कर लेते हैं 16 क्वेश्चंस की, 16 क्वेश्चन है आपका, माई फ्रेंड द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस डैश डैश ओनली, तो देखिए 16 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज, ठीक है, माई फ्रेंड द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ओनली। फ्रेंड्स आप कितना स्कोर कर पाए प्लीज कमेंट सेशन में अपना स्कोर शेयर करें, जिससे कि क्या होगा फ्रेंड्स आपको रैंकिंग का पता पड़ेगा अपनी रैंकिंग का, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरे द्वारा कोई भी सलाह लेना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में शेयर करें, और आप सभी का जो सपोर्ट्स मिल रहा है वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट्स बनाए रखें। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी सारे मित्र हैं उनको पास ये वीडियो पहुँचाएं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक के माध्यम से कैसे भी जैसे आप पहुँचा सकते हैं बस पहुँचाइए, और जो भी फ्रेंड्स आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।